फ्रेंड्स, वेलकम टू लखड़े फ्रेंड्स कह रहे हो दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डिव्य यांत्रिक आपके जो रिटर्न एग्जाम सितंबर लास्ट वीक तो होने के लिए पूरी चांस है ना। तो इस वीडियो पर मैं आपको कुछ प्रिपरेशन टिप्स वगैरह दूंगा जो आपकी रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक बने रही, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही जेन्युइन ऑथेंटिक वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सपना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में ज्वाइन करने के बाद देश के लिए कुछ अच्छा करे और व्हाइट यूनिफॉर्म वर्दी इनकम करने के लिए चाहते हो, तो डेफिनेटली वीडियो का अंत तक बने रहिए। वहीं कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी में सिलेक्शन ले, ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा था। तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में, है ना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको फाइनल कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, है ना। मैं इनिशियल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ कितना जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी में, तो आपकी जाता है दोस्तों 51। इस बार जनरल के गया है ना, आपकी ओबीसी के गया 48। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा का कंपटीशन लेवल है ना। आपका टोटल मार्क है 60, लेकिन आपका कट ऑफ जाता है 51 जनरल का। तो आप उसी लेवल से हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, है ना। अगर आपका सपना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में ज्वाइन करने के लिए, तो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी में आपकी अर्थमेटिक आता है, इंग्लिश आता है, आपके जनरल साइंस आता है, आपके जीके आता है, रीजनिंग आता है, सब कुछ आता है। आपके 60 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वहाँ पर सब कुछ आता है ना। तो आपको सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आपको कैसे क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, तो पहले तो आपको रेगुलर ही पढ़ाई करना पड़ेगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको रेगुलर कंसिस्टेंट पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं आज पढ़ेगी कल नहीं पढ़ेगी, ऐसा नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बुक प्रिफर करूंगा जो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी के लिए फुल होगा, है ना। आर्यन पब्लिकेशन की एक बुक आता है मोटी सी, उसका प्राइस है लगभग दोस्तों 200 करीब, है ना। उससे आप खरीद के अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। एक ही बुक पर आपका इंग्लिश है, जीके है, फिर आपकी रीजनिंग है ना, और उसके साथ अर्थमेटिक है, फिर आपकी जनरल साइंस है, सब कुछ है एक ही बुक पर है। पहले तो आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि आपकी जो आर्यन पब्लिकेशन की जो बुक है उससे पूरी तरह से अच्छी तरीके से रटा मार दो, है ना। पूरी जितने भी टॉपिक कवर किया गया है उसे सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लीजिए। उसका जितने भी सिलेबस है उससे हर रोज डेली पढ़ाई कीजिए, और उसके साथ आपकी जो प्रैक्टिस सेट लगाई, इतना पढ़ाई की यह ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आप कितना टाइम में कितना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो यह ज़्यादा मैटर करता है। तो पहले आपको जो सिलेबस है उससे अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप ऑफलाइन लगा सकते हो या फिर ऑनलाइन भी लगा सकते हो, है ना। तो वहीं आपकी बात करूँ टाइम टेबल की, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आपको डेली 5 to 6 ईयर तो डेली पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास सिर्फ 1 मंथ ही लगभग बचा है ना। तो आपको डेली अरिथमेटिक के लिए 1 आवर, उसके साथ आपको जीके एंड रीजनिंग के लिए 1 आवर, फिर आपको इंग्लिश के लिए, और उसके साथ आपकी जनरल साइंस के लिए 1 आवर। इस तरह से आपको सेपरेट टाइम टेबल बनाकर आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना। और टोटल वैकेंसी की बात करूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में टोटल 50 वैकेंसी, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ 1 वैकेंसी, है ना। टोटल कितना वैकेंसी है ये मैटर नहीं करता है। आप सोचे कि मुझे एक ही वैकेंसी चाहिए, और मुझे 51 से डेफिनेटली ज़्यादा मार्क लाना पड़ेगा। अगर आपका सपना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, कि कंपटीशन लेवल इंडियन कोस्ट गार्ड में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू इंडियन नेवी, तो आप उस लेवल की तरफ से पढ़ाई करो। आपके पास सिर्फ 1 मंथ ही बचा है, आप डेली 4 to 5 आवर तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। आपको कैसा लगा डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो पर इतना ही। अवृत जय हिंद जय भारत।